वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। YouTube में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग आरओ एआरओ 2023 के लिए रीजनिंग के एक प्रैक्टिस सेट को हल करेंगे। यह पेपर 11 फरवरी 2024 को होने वाला है। देखिए, एक एक दिन करके पेपर नज़दीक आता जा रहा है, तो जैसे जैसे पेपर नज़दीक आएगा आपके ऊपर प्रेशर बढ़ेगा। तो इस प्रेशर को कम करने का एक साधारण सा तरीका है, आपको 10 से 12 प्रश्न रीजनिंग के मिलेंगे जो कि बहुत ही आसान होंगे और आप उसमें पूरा का पूरा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, टेस्ट सीरीज़ को फॉलो करना है, साथ में लगातार आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के मॉक देते रहने हैं, है ना। अब देखिए, आज की इस वीडियो में कुल 20 प्रश्न होंगे। आपको 20 प्रश्न को क्या करना है, वीडियो को पॉज कीजिएगा, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा और आपका उत्तर प्रश्न जो बताया गया है उससे मैच करता है कि नहीं, अंत में आप उसको देखिएगा। और साथ में जब वीडियो खत्म हो जाएगा तो इसमें कितने प्रश्न आपके सही बने उसको कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। इससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, यहाँ पर इंग्लिश वर्जन में दिया और यहाँ पर हिंदी वर्जन में दिया, आप जिस भाषा में अच्छे से तालमेल बना सकते हो उस भाषा के साथ प्रश्नों को देखिएगा। पहला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी नंबर से उसी तरह से संबंधित है जैसे दूसरा नंबर पहली संख्या से संबंधित है। देखिए, ये एक तरीके से एनालॉजी का प्रश्न है। जब कभी भी एनालॉजी के प्रश्नों को सॉल्व करना होता है तो इसमें आपको वरीयता क्या देना है, आपका जो मतलब प्रायोरिटी ऑर्डर रहेगा, इसमें सबसे पहले आपको प्राइम देखना है कि नंबर प्राइम है कि नहीं। अब देखिए, प्राइम को आप तभी ढूंढिएगा जब आपके पास डबल डिजिट के अंक संख्याएं दी होंगी, है ना। डबल डिजिट से आगे की संख्याएं दी रही होंगी तो आपको प्राइम के बारे में नहीं सोचना है। इसके बाद आपको स्क्वायर या क्यूब के ऊपर ध्यान देना है कि स्क्वायर या क्यूब से कोई पैटर्न बन रहा है कि नहीं। अगर स्क्वायर क्यूब से नहीं बना तो फिर आपको मल्टीप्लीकेशन और डिविजन के ऊपर ध्यान देना है ना, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के ऊपर ध्यान देना है। अगर इससे नहीं बनेगा तो प्लस या माइनस को देखना है। इसके बाद क्या करना है, सबसे अंतिम में आपको इलॉजिकल पैटर्न को देखना है। देखिए, अगर इस प्रश्न की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए, प्राइम का तो यहाँ पे कोई चांस नहीं है ना, तो प्राइम को यहाँ पे हटा देते। अब स्क्वायर और क्यूब देखिए, ये अगर आप देखेंगे तो 6 का क्यूब दिख रहा है, इसमें से एक कम किया गया, 5 का क्यूब दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर आकर के क्यूब का भी नियम फेल हो जा रहा है तो ये भी यहाँ पर नहीं चल रहा है ना। स्क्वायर वैसे भी नहीं दिख रहा है, मल्टीप्लीकेशन ऐसा कुछ नहीं, एडिशन सब्स्ट्रक्शन ये भी नहीं दिख रहा है, तो इसमें 100% इलॉजिकल पैटर्न लगा है। अब देखिए, इलॉजिकल पैटर्न कैसे लगा है, 215 को 125 लिखा गया है। यहाँ पे देखिए क्या किया गया है कि सभी जो मतलब इसमें अंक है ना उनको एक तरीके से ये असेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित किया गया है। देखिए, 1 फिर 2 फिर 5, तो इसी तरीके से 415 को अगर असेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित करेंगे मतलब आरोही क्रम बढ़ता हुआ क्रम, तो 1 4 5 इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर बनेगा विकल्प बी 145। अब आते चलिए, अब देखते हैं प्रश्न संख्या 2 को। देखिए, इसमें दूसरा प्रश्न क्या दिया, एक निश्चित कोड भाषा में 45 86 93 को 36 77 84 के रूप में कोडित किया गया, तो 74 22 351 को उसी भाषा में कैसे कोडित किया जाएगा। देखिए, इसका कोड क्या है, पहले कोड निकालने का प्रयास करते हैं। 45 86 93 इसको कोडित किया गया, इसका कोड क्या लिखा गया, कोड बना है 36 77 84। देखिए, कोड किस प्रकार से बना है, 4 से 1 कम हो गया, फिर 5 से 1 बढ़ गया, फिर 8 से 1 कम हो गया, फिर 1 बढ़ा है, फिर 1 कम हुआ है, फिर 1 बढ़ा है। तो इसमें जो पैटर्न चल रहा है ये -1 +1, ये पैटर्न चल रहा है। तो इस पैटर्न को अगर हम इसमें अप्लाई करेंगे, देखिए 74 22 351, देखिए आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ना इसमें 7 डिजिट दिया है और उत्तर में 6 डिजिट दिया है, और जबकि 6 डिजिट का सीरीज चल रहा है तो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है। यहाँ पे जो ये 1 2 है ना, ये 2 नहीं रहेगा, है ना, ये थोड़ा सा मिस्टेक मतलब टाइपिंग की मिस्टेक है। इसका सही प्रश्न जो बनेगा, ये प्रश्न है 7 4 2 3 5 1, इसका कोड आपको बताना है। तो देखिए, 7 के कोड की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे आप 1 कम करेंगे 6 लिखेंगे, इसके बाद 5 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा और 2 आ जाएगा, तो 65 14 82 इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 3। 3 दिया है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जैसे पहला शब्द दूसरे से संबंध। देखिए, कार का संबंध गैराज से दिया, कार का संबंध गैराज से है, इसी तरीके से बताना है हवाई जहाज का संबंध कहाँ से होगा। देखिए, कार की जो रिपेयरिंग होती है ना,
वो गैराज में की जाती है। तो इसी तरीके से जहाज की जो रिपेयरिंग होती है हैंगर में की जाती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या चार। एक परिवार में श्री और श्रीमती गजानन की 5 बेटियां, मतलब यहाँ पे देखिए मान लीजिए भैया ये श्री हैं और ये इनकी पत्नी है श्रीमती गजानन, है ना, इनकी 5 बेटियां हैं, पूरी फौज खड़ी है, देखिए 1, 2, 3, 4 और 5 इनकी 5 बेटियां हैं। अब प्रत्येक बेटी का एक भाई, अब देखिए प्रत्येक बेटी का एक भाई, ये कहने का मतलब समझ रहे हैं कि इनका एक लड़का हो जाएगा भाई, ये लड़का इसके लिए भी भाई होगा, इसके लिए भी भाई होगा, इसके लिए भी, सबके लिए भाई है। तो उस परिवार में कुल कितने व्यक्ति, देखिए 2 लोग तो ये हो गए और 6 इनकी संतान है, 2 और 6 8, तो इस परिवार में कुल सदस्यों की संख्या हो जाएगी 8। यहाँ पे हमने मेल को वर्ग से बनाया या फिर चतुर्भुज मान लीजिएगा और फीमेल को सर्कल से ड्रॉ किया। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 5। 5 में क्या पूछा है आपको, ये बताने कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखिए इस प्रकार इसमें आप ना अल्टरनेट भी देख सकते हैं, देखिए ए से बी हो गया, है ना, मतलब एक का यहाँ पे वो है, फिर बी से डी हो गया, इसमें +2 हुआ है, डी से जी हो गया, +3 हुआ है ना, देखिए +1 +2 +3। अब देखिए डी से एफ हो गया, +2 है ना, एफ से आई हो गया, +3 है, तो आई से +4 करेंगे तो +4 करते ही आपको मिल जाएगा 13, 13 मतलब M मिलेगा, इसका सही उत्तर है विकल्प बी। इसके अतिरिक्त आप इसको ऐसे भी देख सकते थे, देखिए इसमें एक तरीका और आप लगा सकते हैं, इन सब की प्लेस वैल्यू अगर लिखा जाए तो A की प्लेस वैल्यू 1, D के लिए 4, B की प्लेस वैल्यू 2, F का 6, D का 4, I का 9, G का 7, यहाँ पर नहीं पता है, और K का 11, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या चल रहा है, ये +3 है ना, -2 है ना, +4 -2 +5 -2, मतलब देख रहे हैं ना, यहाँ पे प्लस पहले 3 हुआ, फिर -2 हुआ, फिर +4 हुआ, -2 हुआ, +5 हुआ, -2 हुआ, मतलब प्लस बढ़ रहा है माइनस सेम है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, +6 करेंगे, +6 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 7, 6, 13, 13 M को लिखा जाता है, इसके बाद 2 कम करेंगे तो 11 आ जाएगा जो कि K दिया हुआ है। तो आप इस तरीके से भी इसका उत्तर निकाल सकते थे, विकल्प बी इसका सही उत्तर बन जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 6। 6 में दिया एक निश्चित कोड भाषा में नेपोलियन को इस प्रकार से कोडित किया गया, तो आपसे पूछा जा रहा है कि उसी भाषा में मोहन देव को कैसे लिखा जाएगा। देखिए नेपोलियन को ये लिखा गया तो मोहन देव को क्या लिखा जाएगा, इसको थोड़ा सा जूम करते हैं ताकि यहाँ पे कुछ स्पेस मिले, है ना, देखिए ये रहा। ठीक, अब यहाँ पे इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए नेपोलियन जो है ना, अब देखिए ये पहले एक कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए जो लेटर्स होते हैं उनकी प्लेस वैल्यू याद होना बहुत आवश्यक है, अन्यथा आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी। देखिए नेपोलियन को अगर हम लोग देखेंगे तो N की प्लेस वैल्यू 14 होती है, E की प्लेस वैल्यू है 5, P 16, O 15, L के लिए 12, I के लिए 9, A के लिए 1 और N के लिए 14। अब इसका जो कोड है इसकी प्लेस वैल्यू लिखते हैं, M की प्लेस वैल्यू है 13, है ना, C की प्लेस वैल्यू 3, Q की प्लेस वैल्यू 17, फिर से 17, फिर आगे देखेंगे K की प्लेस वैल्यू है 11, G की प्लेस वैल्यू है 7, B की प्लेस वैल्यू 2 और P के लिए 16। देखिए अब इसमें पैटर्न क्या चल रहा है, यहाँ पर -1, फिर -2, +1, +2, -1, -2, +1, +2, आपको कोड समझ में आ चुका है, कोड चल रहा है -1, -2, +1, +2, ये कोड चल रहा है ना। तो आपको इसी तरीके से बताना है कि मोहन देव का कोड क्या होगा। देखिए एम की प्लेस वैल्यू होती है 13, 13 में से 1 घटाएंगे मतलब 12, 12 किसके लिए लिखा जाता है, या चलिए लिखते हैं पहले 12, है ना, फिर ओ की प्लेस वैल्यू है 15, 15 में से 1 कम करेंगे 14, एच की प्लेस वैल्यू है 8, 8 में 1 जोड़ेंगे 9, ए की प्लेस वैल्यू है 1, 1 में 2 जोड़ेंगे 3, है ना, एन की प्लेस वैल्यू 14, 14 में से 1 कम करेंगे 13, फिर डी की प्लेस वैल्यू है 4, 4 में से 2 कम करेंगे 2, ई की प्लेस वैल्यू 5, 1 जोड़ेंगे 6, और वी की प्लेस वैल्यू 22, 2 जोड़ेंगे 24। अब ये किन लेटर्स की प्लेस वैल्यू, देखिए एल एन आई सी, है ना, एल एन आई, देखिए यहां पे ओ की प्लेस, अच्छा दो दो माइनस करना था, माफ कीजिएगा, यहां पर दो माइनस करना है ना, दो माइनस करना है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर एम हो जाएगा, एल एम आई सी, देखिए एल एम आई सी, ये दो विकल्प एलिमिनेट हो चुके हैं। फिर देखिए 13 लिखेंगे तो 13 लिख के लिए M आएगा, फिर से B, फिर से F और F के बाद X, एम बी एफ एक्स, है ना, एम बी एफ एक्स, ये विकल्प आपका सही हो जाएगा A, है ना। तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई, इसके लिए माफी चाहते हैं, ये यहाँ पे 14 के बजाय 13 लिखा गया था। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 7। देखिए प्रश्न संख्या 7 क्या है इसके बारे में समझते हैं। यहाँ पर दिया है, दिए गए प्रश्न में 4 शब्द दिए गए जिसमें से 3 किसी एक तरह से
किसी तरह से एक है और एक अलग है, विषम विकल्प का चयन करें। देखिए, पानी फिल्टर, स्टडी टेबल, अलमारी और खाने की मेज, इसमें से कौन अलग है? देखिए, स्टडी टेबल, अलमारी और खाने की मेज है ना, ये सब एक समान हो जाएगा, इसमें से पानी फिल्टर अलग हो जाएगा। अब इसका कारण आप कई तरीके से ढूंढ सकते हैं, है ना। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 8। दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में परस्पर परिवर्तित करना चाहिए? यह प्रश्न पूर्णतः हिट एंड ट्रायल मेथड पर अप्लाई होता है, मतलब हिट एंड ट्रायल मेथड से बनता है। आपको एक एक विकल्प उठाकर चेक करने, तो चलिए हम लोग शुरुआत विकल्प डी से करते हैं, है ना। ये आपके ऊपर है, आप कहीं से भी कर सकते हैं, इसमें कोई बाध्यता नहीं है। आप ए से कर सकते हैं, बी से कर सकते हैं, सी से कर सकते हैं, डी से कर सकते हैं। हाँ, एक चीज ध्यान दीजिएगा कि इसमें जब भी आप विकल्प को चेंज करिए तो आप इसको ना ऐसा नहीं कि लिख के बार बार करिए, थोड़ा सा आप क्या कीजिएगा कि ओरल कैलकुलेशन कीजिएगा। ओरल कैलकुलेशन का मतलब देखिए, इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये पूरा कैलकुलेट होकर सात मिलेगा, तो सात लिखना है ना। प्लस अब देखिए यहाँ पर, अब प्लस के बाद ना ये चीज समझिएगा, यहाँ पे देखिए इसमें प्लस है, इसमें प्लस है। अब यहाँ पे थोड़ा सा साइन चेंज कर लेते हैं। देखिए, अब हमें पहले डी से शुरू करेंगे तो क्रॉस और प्लस को चेंज करना है, मतलब यहाँ पर क्रॉस आ जाएगा और यहाँ पर प्लस चला जाएगा। तो 7 × 90 है ना, प्लस 8 − 38 = 600। देखिए ये सही होता है कि नहीं सही होता है? देखिए 7 × 90 अगर इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको मिलेगा 630 है ना, और प्लस में 8 में से अगर 38 घटाएंगे तो आपको 30, यहाँ पर माइनस का मिल जाएगा 30, और माइनस 30 घटाएंगे तो मिलेगा 600। ये विकल्प बिल्कुल सही है ना। ये देखिए एक संयोग है कि हमने डी से उठाया और डी इसका सही उत्तर है। आप अगर ए से उठाते तो आपको 4 तक कैलकुलेशन करना पड़ता। तो ऐसे प्रश्नों में जो चेंज करने वाले होते हैं इसमें ज़्यादातर या तो सी सही होता है या तो डी सही होता है, तो इसलिए आप हमेशा ना लास्ट से इसको कैलकुलेट कीजिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 9 को देखते हैं। दिए गए विकल्प में अक्षर समूहों में 4 जोड़े दिए गए जिसमें से 3 किसी तरह से एक समान है, आपको बताना है कौन सा इसमें अलग है। देखिए यहाँ पर अलग कौन सा है इसके बारे में समझते हैं। देखिए यहाँ पर काइट दिया है ना, काइट को इस प्रकार से कोडित किया गया, और फिरू को इस प्रकार से किया गया, मैनी को भी किया गया। अब यहाँ पे लिख, अब देखिए इन सबको अगर ध्यान से देखेंगे, देखिए के सबसे पहले था, सबसे अंतिम में चला गया। एफ सबसे पहले था, एफ सबसे अंतिम में चला गया। एम सबसे पहले था और सबसे अंतिम में चला गया, है ना। इसमें 3 एक जैसे समान है। अब यहाँ पे देखिए इसमें एल सबसे पहले था, सबसे अंतिम में आना चाहिए था लेकिन नहीं आया, तो विकल्प डी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 10। 10 में क्या दिया? देखिए यहाँ पर के एल ई एन, मतलब क्लेन बोल सकते हैं इसको, इस प्रकार से लिखा गया, तो जी एच आई एस कैसे लिखा जाए? के एल ई एन, इसको क्या लिखा गया? इसको लिखा गया ई के एन एल। देखिए एल को यहाँ पर भेज दिया गया है ना, के को यहाँ पर भेज दिया गया, मतलब पहले के को रखा गया, फिर एक छोड़ के एल को रखा गया, फिर ई को रखा गया और बचे हुए में एन को रखा गया। देखिए जी एच आई एस पहले किसको रखेंगे? देखिए पहले यहाँ पे एक प्लेस छोड़ेंगे, फिर जी को रखेंगे, फिर एक प्लेस छोड़ेंगे, एच को रखेंगे, है ना। इसके बाद क्या करना है? देखिए एन मतलब जो लास्ट में एस है, एस को यहाँ रखेंगे और आई को यहाँ रखेंगे, तो आई जी एस एच, ये इसका सही उत्तर बन जाएगा। आई जी एस एस एच विकल्प दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा, विकल्प बी। प्रश्न संख्या 11। देखिए ये मिरर इमेज का एक प्रश्न है, आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए मिरर इमेज की प्रश्न की जब बात करते हैं ना, इसको थोड़ा जूम करते रुके। देखिए मिरर इमेज में क्या होता है ना कि चीजें जस्ट पलट जाती, जैसे देखिए ये आकृति कुछ ऐसी बनी हुई है। देखिए यहां पर मिरर के पास जो चीज है ना, जस्ट ही ऐसे उलट जाएगी, उलटने का मतलब ये सेम टू सेम ऐसी आकृति बन जाएगी। यहाँ पे ऐसा बनेगा, फिर ये ऐसे नीचे जाएगा और ये ऐसा बनेगा, तो ऐसी जो आकृति होगी वही सही होगा। देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो विकल्प है इन विकल्पों में से, देखिए विकल्प ए ये तो एकदम उलट गया, बी ऐसा नहीं है, सी भी नहीं है, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, विकल्प 4। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 12। दिए गए प्रश्न में 4 नंबर दिए गए जिसमें से 3 किसी तरह से समान है और एक अलग है। अब उसी संख्या का चयन करना है जो अलग है। देखिए 2197 क्यूब है ना, 1331 क्यूब है, 1728 क्यूब है ना, ये 3 संख्या क्यूब है, क्यूब मतलब घन है, जबकि ये क्यूब नहीं है। आपको एक चीज यहाँ पे कमेंट करना है कि तीनों संख्या किसका किसका क्यूब है। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 13। 13 में क्या करना है आपको ये बता दो। यहाँ पे एक डाइस का प्रश्न दिया है ना, कि देखिए क्या दिया है, उस उत्तर आकृति का चयन करें जिसमें लाइनों के साथ दी गई सीट को मोड़कर बनाया जा सकता है। मतलब ये इसको ना ओपन डाइस है, ओपन डाइस को क्लोज डाइस में कन्वर्ट किया गया, बताना है कौन सा डाइस है। तो एक चीज याद रखिएगा, जब कभी भी जो ओपन डाइस होता है ना, ओपन डाइस अगर ये 3 या 4 के फेज में दिया रहता है तो आप इसमें से अपोजिट फेसेस बड़े आराम से निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर तो पूरा सॉल्व करके दे दिया। देखिए
ए और डी एक दूसरे के अपोजिट है, बी और एफ एक दूसरे के अपोजिट है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, देखिए ए डी एक दूसरे के अपोजिट है, बी और एफ एक दूसरे के अपोजिट है, और इसके बाद जो बचा है सी और ई एक दूसरे के अपोजिट है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा डाइस सही होगा। देखिए डाइस का एक नियम होता है, आप जनरली डाइस को जान लीजिएगा, कोई भी डाइस होता है उसमें अपोजिट फेसेस को न तो एक साथ सामने रखा जा सकता है और न ही एक साथ छिपाया जा सकता है। अगर ऐसा है तो डाइस कभी संभव है ही नहीं। अब देखिए यहाँ पर देखिएगा ई और सी एक दूसरे के अपोजिट फेस है, जबकि एक साथ दिख रहे मतलब ये डाइस नहीं बन सकता। ई और सी यहाँ पर भी दिख रहे हैं, ये भी डाइस गलत हो जाएगा। यहाँ पर कौन दिख रहा है, यहाँ पर एफ और बी दिख रहे हैं जबकि ये अपोजिट है, तो ये भी गलत हो जाएगा। जब तीन पार्ट्स गलत हो गए तो चौथा अपने आप सही हो जाएगा। इसको देखिए यहाँ पे सी है, सी का अपोजिट ई नहीं दिख रहा है, ए का अपोजिट डी नहीं दिख रहा और बी का अपोजिट एफ नहीं दिख रहा है। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 14। ये श्रृंखला को पूरा करने का एक प्रश्न है। देखिए श्रृंखला को पूरा करने वाले प्रश्न में क्या करना होता है, सबसे पहले श्रृंखला को आपको काउंट करना है कि इसमें कितने लेटर्स हैं। देखिए दो चार छ आठ दस बारह चौदह सोलह, जब सोलह लेटर्स होते हैं ना, सोलह लेटर्स मिलेंगे तो आपको इसे चार चार के ग्रुप में तोड़ लेना है। अगर पंद्रह मिलेगा तो आपको तीन और पाँच के ग्रुप में तोड़ना है, बारह मिलेगा तो चार और तीन के ग्रुप में तोड़ना है ना। अब तोड़ने के बाद क्या करना है, इसमें समानता ढूंढना है। देखिए यहाँ से हमने इसको चार चार के ग्रुप में डिवाइड कर दिया। अब देखिए अगर समानता आप देखेंगे ना, तो ये समानता या तो अल्टरनेट हो सकता है या तो क्रम से हो सकता है। इसमें आप देखिए अल्टरनेट समानता दिख रहा है, यहाँ पर देखिए बी सी डी है ना, यहाँ पे सी डी है, अगर हम बी भर देंगे तो ए बी सी डी, और यहाँ पर ए भर देंगे ए बी सी डी ए बी सी डी। अब यहाँ पर क्या समानता है, देखिए डी से शुरुआत है तो इसकी भी शुरुआत डी से करते, ये पूरा हो गया डी सी बी ए डी सी बी ए। तो यहाँ पे देखिए अल्टरनेट समानता चल रहा था, ए बी सी डी था फिर डी सी बी ए था। आपने भरा क्या किया, आपने भरा है बी डी ए बी, आपने ये भरा हुआ है ना, तो बी डी ए बी बी डी ए बी विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 15 पे देखिए क्या दिया है आपको, इसको व्यवस्थित क्रम में मतलब सार्थक और तार्किक क्रम में व्यवस्थित करना है। देखिए तार्किक क्रम में व्यवस्थित करने का मतलब है आपको छोटे से बड़े की ओर चलना है। तो सबसे छोटा है मिलीग्राम, सबसे पहले चार आएगा, मिलीग्राम के बाद ग्राम, फिर पाँच आएगा, ग्राम के बाद किलोग्राम, फिर दो आएगा, इसके बाद क्विंटल और इसके बाद टन है ना। तो 45 215 ये क्या मैं लिख रहा हूँ यार, यहाँ पे बोल सही रहा हूँ लिख गलत रहा हूँ, ये तीन होगा ना, ओके ये तीन होगा है ना, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 43 215 विकल्प दूसरा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 16। देखिए जब लक्ष्मी ने महेश को देखा तो उसने कहा वह मेरी बेटी के पिता के ससुर का बेटा है, महेश लक्ष्मी से कैसे संबंधित। देखिए इसमें ना जो बोलता है उसे आप खुद को एज्यूम कर लीजिएगा, ठीक। जब लक्ष्मी ने महेश को देखा तो उसने कहा, अभी वर्तमान में लक्ष्मी बोल रही, आप खुद को लक्ष्मी मान लो। क्वेश्चन बनाने का बहुत ही आसान तरीका, आपने खुद को लक्ष्मी मान लिया, अब आप क्या कह रहे हो, वह मेरी बेटी है ना, बात समझिएगा, मेरी बेटी आपकी बेटी के पिता है ना। देखिए कहानी क्या चल रही, लक्ष्मी की बेटी आपकी बेटी, आपके बेटी का पिता मतलब आपका पति हो जाएगा है ना, बात समझ, आपका पति है ना, आपके पति के ससुर, कहानी चल रहा है ना, आपके पति के ससुर मतलब आपके पिता का बेटा। अब आपके पिता का बेटा क्या होगा, आपका भाई हो जाएगा, तो महेश लक्ष्मी से कैसे संबंधित है, ये उसका भाई है, ठीक। चलिए तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जब भी बनाना है इसको थोड़ा सा ब्रेक करके इत्मीनान से आप इंडिकेटिंग वाले फॉर्म के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ना, बड़े आसानी से हो जाएगी। देखो एक बार फिर समझिएगा, यहाँ पे देखिए मान लीजिए लक्ष्मी है ना, लक्ष्मी है, इसने क्या किया, महेश को देखा, अब ये कह रही है कि वह मेरी बेटी। देखिए आपने खुद को लक्ष्मी माना है, लक्ष्मी की बेटी मतलब आपकी बेटी के पिता, आपकी बेटी के पिता आपके कौन हो जाएंगे, पति हो जाएंगे है ना, के ससुर, जब आपके पति का ससुर कौन होगा, आपका बेटा मतलब आपका पिता हो जाएगा है ना, का बेटा, अब पिता का बेटा है मतलब आपका भाई हो जाएगा, तो ये रिलेशन आसानी से आप ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 17। अब इसमें क्या दिया, प्रश्न संख्या 17 में यह दिया कि श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह का स्थान आपको बदलना है, मतलब क्या आएगा ये आपको बताना है। देखिए यहाँ पर कैसा पैटर्न चल रहा है, देखिए इसको थोड़ा सा जूम करते हैं, देखिए यहाँ पर पैटर्न कुछ ऐसा चल रहा है, देखिए पाँच फिर पाँच है, पंद्रह हो गया, पचहत्तर हो गया, 525 हो गया, पैटर्न आपको समझ में आ चुका होगा। पहले एक का गुणा कराया गया, फिर तीन का गुणा कराया गया, फिर पाँच का गुणा कराया गया, फिर इसके बाद सात का गुणा है, और लास्ट में क्या होगा, नौ का गुणा कराया जाएगा। अब 525 में नौ का गुणा कराने तो 25 नवैया 225 है ना, दो हासिल रहेगा, 5 नौ 45 और 2 47, विकल्प इसका तीसरा सही हो जाएगा 4725। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 18 में क्या प्रश्न दिया है, देखिए
दिए गए निष्कर्ष कथनों और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़े। सिलॉक्स का प्रश्न जब भी मिले ना, इसको क्या करना है, इंग्लिश से वेन डायग्राम इसका बनाइएगा, ज़्यादा अच्छा बनेगा। ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल, जितने स्क्वायर्स हैं सब के सब क्या है, रेक्टेंगल्स हैं, है ना। आर रेक्टेंगल्स आर पॉलीगन, जितने रेक्टेंगल्स हैं सब पॉलीगन है। अब देखिए कॉन्क्लूजन क्या दिया, स्क्वायर इज नॉट अ पॉलीगन, है ना। जब कभी भी स्टेटमेंट आपके पॉजिटिव हो और कंक्लूजन नेगेटिव हो तो हमेशा गलत होता है। ऐसे आप वेन डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये गलत होगा। स्क्वायर इज बोथ रेक्टेंगल एंड पॉलीगन, देखिए स्क्वायर जो है ना ये दोनों दायरे में, रेक्टेंगल में भी है पॉलीगन में भी है, सही हो जाएगा। इसका विकल्प मतलब दूसरा फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पे ओनली दूसरा फॉलो कर रहा है, विकल्प सी इसका सही उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 19 पर आते हैं, है ना। यहाँ पे क्या दिया कि एक वेन आरेख है ना, जो अलग अलग जानवरों को प्रतिनिधित्व करता है। देखिए जो ए है ना, कुत्तों का प्रतिनिधित्व करता है, बी बिल्ली के लिए है, सी मछली को दर्शाता है, डी नेवला को, ई चूहा को दर्शाता है, एफ खरगोशों को दर्शाता है। तो कौन सा क्षेत्र केवल कुत्ता मछली और नेवला, इन तीन को, मतलब कुत्ता मछली और नेवला खाली तीन आने चाहिए। अब समझिएगा, कुत्ते को कौन इंडिकेट कर रहा है, ए, है ना। मछली को कौन इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पे सी, है ना। इसके बाद नेवले को कौन इंडिकेट कर रहा है, डी। अब आपको ऐसा देखना है जिसमें सिर्फ ए सी और डी मिले। देखिए ए सी और डी, तो वह कौन सा क्षेत्र केवल कुत्तों मछलियों और नेवलों के समूह का। अब देखिए इसमें कुत्तों, देखिए कुत्ता नेवला है ना, एक कुत्ते मतलब ये कुत्ते का दायरा है पूरा, ठीक। इसके बाद कुत्ते के दायरे के बाद देखिएगा जो कौन सी मछली, सी जो है ये मछली का दायरा है, मतलब ये मछली का दायरा है। और इसके बाद जो डी है ये नेवला का दायरा है, डी जो है नेवला का दायरा है। तो इन तीनों में जो आने वाला है ये दायरा है, ये तीनों में आ रहा है ना। ये रुके मैं अलग कलर से दिखा देता हूँ, है ना। ये दायरा ये तीनों में आ रहा है ना, ये तीनों में आ रहा है। लेकिन अब आगे इसको मतलब इंडिकेट कहाँ से करेंगे, तो विकल्प इसमें हाल फिलहाल नहीं सही है, कुछ चीजें मिसिंग है। चलिए प्रश्न संख्या 20 पर आते हैं। यहाँ पे 20 पे क्या दिया है ना, इस श्रृंखला में क्वेश्चन चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखिए क्वेश्चन चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, इसको थोड़ा सा जूम करते हैं ताकि चीजें स्पष्ट हो जाए। देखिए यहाँ पे दिया क्या है, देखिए यहाँ पर 2 लिखा है, यहाँ पर 8 लिखा है, यहाँ पर 5 लिखा है और यहाँ पर 5 लिखा है। इसी तरीके से यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 10 है और यहाँ पर 16 है, ठीक। आगे देखिए यहाँ पर क्या चल रहा है ना, यहाँ पर 7 है और ये 8 है और यहाँ पर 1 है और ये क्वेश्चन मार्क है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा आपको ये कमेंट करके बताना है। और आज हम लोगों ने कुल 19 क्वेश्चन हल किए, ये 20वां क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा जा रहा है। तो इस 19 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चंस आपके सही बने ये कमेंट करके बताइएगा। और इस प्रकार के वीडियोस को लगातार पाए रखने के लिए आपको सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने। इसके अतिरिक्त अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टीम के पैड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो इन दिए गए नंबर्स पर संपर्क करके प्रक्रिया जान सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ।